हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। मैं रेणुका डोरा आपके साथ एक सब्जी शेयर करने आई हूँ जो मोटापा से ग्रस्त है, जो बीमार से ग्रस्त है, जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं जिसे सादा सब्जी खाने के लिए बोलते हैं और तो उनके लिए मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रहती है, सादा है लेकिन बहुत ही टेस्टी रहती है। आप एक ज़रूर इसे खाएं। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या खाली आप ऐसे खा सकते हो। जो मोटे हैं उनके लिए ये अच्छी तरह से सब्ज़ी बना लें और एक प्लेट खा लें और रोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे विटामिन प्रोटीन सब इस सब्ज़ी में है। तो आप जो भी सब्ज़ी मिक्स करके आप इस मेरी तरीके से बनाइए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये सब्ज़ी का नाम हम लोग कुछ और बोलते हैं, आप नहीं समझेंगे, लेकिन नाम मैं नहीं दी हूँ। आप लोगों को जो नाम पसंद है आप इसे नाम रखिए और बताएं कि ये नाम रखो तो मैं ये नाम ज़रूर रखूँगी इस सब्ज़ी का। तो आगे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और अपने अपने नाम बताएं क्या क्या मैं सब्ज़ी यूज कर रही हूँ, आइए आप देख लेते हैं। तो बैंगन ली हूँ, बैंगन को भी छोटे पीस, ज़्यादा छोटे पीस नहीं काटना है, जैसे मैं काटी हूँ उसी काटना है। पटल है, आलू है, खेक्सा है, केकसा जानते हो, इस तरह से रहते हैं केकसा, इसे केकसा कहते हैं। और बरबट्टी है, कुमड़ा है, कच्चू है, तो आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। पपीता भी ली हूँ मैं इसमें, तो पपीता भी बहुत बीमार आदमी के लिए पपीता भी बहुत ही लाभ देती है, तो पपीता भी है इसमें। आप जो इसमें सब्ज़ी नहीं खाते हैं उसे अवॉइड कर सकते हो। और इसमें बड़ी यूज कर रही हूँ, जिसे आप क्या नाम देते हो पता नहीं, हम लोग इसे बड़ी कहते हैं, तो ये बड़ी है, अदौड़ी भी कहते हैं इसे, तो ये भी यूज़ होगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। अब सारी सब्जी को एक कढ़ाई में डाल के पानी डालेंगे और गैस पर चढ़ाएँगे। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हल्दी भी डाली हूँ मैं, हल्दी नमक दोनों डाल के पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे जितना कि सब्जी सारे उस पानी में सोख ले। पानी एक्स्ट्रा फेंकना नहीं है, ऐसा इतना पानी डालना है आपको अंदाज से कि सारे सब्जी में ही पानी रहे, पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि पानी में ही सारे ताकत रहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कितना पानी देना है। और देखिए मैं इसे बॉयल करके पका ली हूँ, तो और देखिए कैसे पक गए हैं। इसी तरह से पकाना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब जहाँ पक गया है बस आपको गैस बंद कर देना है। अब कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें सरसों तेल ऐड करेंगे, सरसों तेल से ही बनाएंगे इसको। जब सरसों तेल इस तरह से गर्म हो जाए तो ये बड़ी है तो डाल के फ्राई करेंगे। बड़ी फ्राई करके निकाल दी है, उसी तेल में आप सरसों ऐड करेंगे। अब छौंक लगाएंगे, उसके लिए प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, उड़द की दाल, करी पत्ता की ज़रूरत होगी। अब इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। अब इसमें उड़द दाल ऐड करेंगे। और इसमें उड़द दाल को थोड़े से लाल होने के लिए रखेंगे। अब लाल फ्राई हो चुकी है, अब इसमें करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और से भी देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गई है। अब इसमें बॉयल सब्जी ऐड करेंगे। अब इसमें बड़ी ऐड करेंगे, जो पानी थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि बड़ी को भी पकना है, तो बड़ी ऐड करके 5 मिनट में इसे पका लेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, बना के आपको अपने पता चल जाएगा इसका स्वाद।